मोगा के कस्बा बाघा पुराना में पुरानी पारिवारिक रंजिश को लेकर गोली चल गई। मिली जानकारी के मुताबिक किसी बात को लेकर गुस्से में आकर एक व्यक्ति द्वारा वहां खड़े मोटरसाइकिल को बीच बाजार में लाकर तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद रिवॉल्वर से फायर कर दिया गया, जिस कारण छर्रे लगने से एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो वहीं इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गोली चलाने वाले व्यक्ति सहित दो व्यक्तियों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मोगा से हलचल के लिए निशी मनचंदा की रिपोर्ट। सर जी, मेरी दुकान का नाम शंकर ज्वेलर है, 12 साल तो मेरे गुआंढ च बंसल ज्वेलर वाले ने दुकान खोली सी। आज तो 1.5-2 साल पहले वो उन्होंने काम नहीं चलिया, तो उन्होंने धक्के 25 दिन पहले मेरी दुकान का नाम शंकर ज्वेलर बंसल ज्वेलर के शोरूम से धक्के चेपता। हुण लोगों को कहते हैं भई असली दुकान यही आ शंकर ज्वेलर, जबकि साड़ी कोई भी नवी शोरूम अजे नहीं खोलिया, साड़ी वही पुरानी दुकान शंकर ज्वेलर एक ही है। ये लोगों मैस गाइड करते, अज बार च मोटरसाइकिल खड़े से सर जी दो, इन्होंने सर जी उन्हें भन्न तोड़ की, जो असी विरोध करने बाहर आए तो इन्होंने साढ़े तो पिस्टल नाल, पता नहीं कितों लिया पिस्टल जी, शायद 2 नंबर का हो, सारे बाजार का कट हो गया जी। इन्होंने कटते फायरिंग करती जी पिस्टल नाल। साड़ी पुलिस प्रशासन तो मंग आए आ भी गोली किसी दे भी लग सकती, एक दो जने शरे शुरे बजे आ जी, गोली लगनों बचा हो गया। साड़ी तो यह मंग आ जिहदा पिस्टल आ ते जिन्हें चलाया जी उन्हों सख्त सख्त सज़ा दिती जाए। ये बंदा पहलों ही 3 दिन पहलों शुक्रवार को जमानत पर आया जी, यदा साड़ी जान माल की रक्षा की जाए। मेरा जी बेअंत सिंह, रौला जी ने गोपाल के इन्हें पहले आके मोटरसाइकिल की भन तोड़ की, इतने दुकान के मूहे खड़े साढ़े डांगा लिया के इन्हें दवा का भन्न लग गया उन्होंने। अभी जो कट्ठे होकर विरोध किया, इन्हें दवा का रिवाल्वर कढ़िया तो दवा का गोली चला लग गया, ये भज के पासे हुए हैं, छरे छुरे बज गए साढ़े। इतने ये गनमैन है जी, उत्थे